Hello everyone, welcome to our Bionity Institute, and I am your physics teacher and I am going to teach you subject physics through this entire series. Okay, so first of all, the word physics. एक्चुअली आप लोगों ने जब मेडिकल फील्ड चूज किया है, अब हमारे नीट क्लासेस है, नीट क्लासेस में जब आप लोग मेडिकल फील्ड का स्टडी कर रहे हो तो उसमें बेसिकली आपको थ्री सब्जेक्ट पढ़ना है. थ्री सब्जेक्ट में पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिक्स. तो जैसे कि आप लोग बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ऑप्शंस की तरफ देखते हो, तो वर्ड फिजिक्स की तरफ आप लोग कैसे देखते हो, दैट इट इज अ फियरफुल सब्जेक्ट. मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, यानी लगभग 80-85% जो बच्चे हैं, उनको लगता है कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो फियरफुल है. लेकिन ये फियरफुल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है. मान लो कि आप ये फिजिक्स सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो आज तक आपको ये फियरफुल क्यों लगा? क्योंकि आपने तो इसमें 10th तक बहुत छोटा सा पार्ट स्टडी किया हुआ है फिजिक्स का. साइंस पूरा रहता है, और साइंस में केमिस्ट्री भी आया, बायो भी आया और फिजिक्स भी आया. तो व्हाई फिजिक्स इज फियरफुल? फिजिक्स फियरफुल नहीं है. एक्चुअली नीट एग्जाम में बेसिकली आपको 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में से आते हैं. सो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, 45 क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स के आते हैं. तो ये फिजिक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, दैट इज अ न्यूमेरिकल्स. वो क्या है? न्यूमेरिकल्स है. एंड जो जो बच्चों को मैथ्स का डर लगता है, उनको लगता है कि फिजिक्स ये बहुत ज्यादा फियरफुल सब्जेक्ट है. लेकिन एक बात मैं, हमारे ये पहला ही लेक्चर है अपना, और पहले ही लेक्चर में आपको क्लियर करवा देना चाहती हूँ कि ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, इट इज टू मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आपको केमिस्ट्री में तो भी क्या लर्न करना होगा, वही फॉर्मूले, वही सारा टेस्ट जो पहले से ऑलरेडी लिखा गया हुआ है उसको ही रट लेना है, उसको ही याद करना है. लेकिन फिजिक्स में क्या करना पड़ता, डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको क्या करना है, स्टडी करना है, और वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने स्टडी किए हैं उसको अप्लाई करता आना चाहिए. क्या करते आना चाहिए? अप्लाई करते आना चाहिए. सो एज दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट लेक्चर, आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट फिजिक्स. और फिजिक्स में पहला वर्ड है फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या होता है एक्चुअली? फिजिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस. It is the branch of science which deals with study of nature and natural phenomena. Okay. So basically, अगर किताबों में या फिर कहीं और हम डेफिनेशन जब देखते हैं, तो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. ओके, ये तो हो गया डेफिनेशन. लेकिन मैं अगर किसी से पूछूं कि फिजिक्स क्या है, तो कोई बोलेगा मैडम इसमें प्रोटॉन्स आते, मैडम इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते, कोई बोलेगा करंट आता, इलेक्ट्रिसिटी आती, कोई बोलेगा मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है. तो ये सारा टर्म यानी फिजिक्स का बहुत छोटा पार्ट है. क्या है? बहुत छोटा पार्ट है. लेकिन आप अगर फिजिक्स को स्टडी करते जाओ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट एवरीथिंग इज हैपन इन अराउंड अस, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स. काय के कारण हो रहा है? ये फिजिक्स के कारण ही हो रहा है. सो ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये आया हुआ है ग्रीक वर्ड, दैट इज अ फूसिस. Physis is the Greek word and which means the nature. So what is it? Physics, this is the word which has come from the physis, and it is a Greek word, and the nature of this Greek word is nothing but the nature. Clear? So what in this physics we are studying?
we are studying the nature and natural phenomena. Another words में हम बोले कि it helps to study why and how the things behave to do so. And it predicts the future. Okay, so another word में हम physics का definition क्या करेंगे कि each and everything, अब मैं बोलूँ कि आप मुझे सुन रहे हो, आपको ये electricity दिख रही है, आप मैं बोल सक रही हूँ, यहाँ पर fan चल रहा है, mixer चलता है, TV हम चलाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सन निकल रहा है, मून निकल रहा है, प्लैनेट मूव हो रहे हैं, अर्थ मूव हो रही है, रोटेशन ले रही है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स, यानी मॉर्निंग से लेकर तो एंड तक, यानी रात तक जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली फिजिक्स. लेट अस टेक द एग्जांपल. देखिए ये पेन है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे डालती हूँ तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. तो ये क्यों गिरा, why this is happened, because of gravitation. तो क्यों हुआ, why, because of gravitation. How, कैसे, यानी इसकी, ये जब गिरा तो इसकी हाइट क्या थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये कितने स्पीड से गिरा, ये सारी टर्म्स जो है ये इससे रिलेटेड आएंगी. एंड हाउ इट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, यानी अगर मैं बोलूँ आपको कि ये तो बात हो गई छोटी सी, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि एखादा बिल्डिंग के ऊपर जाना है और बिल्डिंग से बॉल फेंकना है, तो बॉल की स्पीड क्या रहेंगी, तो एक्चुअली आप बॉल जाकर डालोगे क्या, नहीं डालोगे. तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये वाला जो लॉ है, ये वाला टर्म जो है ग्रेविटेशन का स्टडी, ये ग्रेविटेशन का इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन प्रेडिक्ट इट्स वेलोसिटी एंड इट्स वेरियस मेजरमेंट्स. सो क्लियर है. सो वॉट इज द फिजिक्स, फिजिक्स इज एवरीथिंग दैट इज डन इन अवर लाइफ, जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द फिजिक्स. और बच्चों एक बात ये है कि सबको ऐसे लगता है कि फिजिक्स में स्कोर कम आता है, लेकिन अगर आप, हम जब जैसे कहेंगे वैसे, वेरी इंटरेस्टिंगली एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स अगर आप रोल प्ले करोगे तो आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो. फिजिक्स का वेटेज होता है 180, और 180 में से 180 आप उसका स्टडी कर सकते हो. ओके, सो ये स्टडी करने के लिए आप लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इसमें क्या क्या सिलेबस है आपको, और उसको कैसे करना है, और इसका स्कोप क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. तो बच्चों आओ हम हमारे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कब लगने लगता है, जब हम कोई पार्ट प्ले करना स्टार्ट करते हैं. तो अब कोई पार्ट प्ले कब करेंगे हम, ओके. सो मेरे कहने से अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ठीक से कर पाते हो, देखिए मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ आपको, आप लोगों को चेस का मास्टर बनना है, ओके. सो चेस का मास्टर बनने के लिए आपने किताब पढ़ ली, चेस कैसे खेलना है, चेस का मैनुअल पढ़ लिया, उसके रूल्स क्या है वो समझ लिए, तो आप चेस का मास्टर बन पाओगे क्या, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खेलना पड़ेगा इसको. जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको क्या आते जाएगा, कॉन्फिडेंस आते जाएगा, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके रूल्स कैसे है, इसको कैसे करना है, उसको चेक कैसे देना है. ये सारा कब पता चलेगा, जब आप उसको खेलोगे. अगर खेलोगे ही नहीं तो आपको मजा आएगा कि उसमें उसके रूल्स पता चलेगा क्या, नहीं. अगर आप दूर से ही बोलोगे कि दैट इज अ वेरी बोरिंग, तो फिजिक्स इज लाइक दिस, ओके. तो बोर बिल्कुल भी नहीं है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम हमारी पूरी सीरीज आपको बता रहे हैं, और इसमें क्या 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 इन्वॉल्व हो रहा है ये आज हम देखने वाले हैं. तो बेसिकली बच्चों 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने फिजिक्स के, दैट इज
पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस, इट इज बेस्ड ऑन लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस। सो अब मुझे बताओ कि फिजिक्स पहले स्टडी है साइंस का, लेकिन काय के ऊपर बेस कर रहा? साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया, यानी क्या किया? बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट वेरीफाई किए और उसको वापस प्रूफ दिया। तो ये सारी प्रोसेस के ऊपर तब जाकर ऑब्जर्वेशंस को फाइनलाइज बना दिया। ओके, दैट मींस फिजिक्स काय के ऊपर डिपेंड कर रहा? इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड लॉज, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड लॉज। सेकेंड, ये काय से बना हुआ है? ये जो लॉज है और ये ऑब्जर्वेशन है, दीज आर द यूनिवर्सल वन। अब यूनिवर्सल यानी क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? अब न्यूटन ने लॉ दिया, न्यूटन का लॉ क्या है? उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा पेड़ पर से, तो उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ बना दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। तो जो भी कुछ बातें हो रही है यहाँ पर, तो ये यूनिवर्सल है। ऐसा है क्या मेरे घर में अलग है, आपके घर में अलग है? ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाओ, जो लॉज रहेंगे वो यूनिवर्सल रहेंगे, यानी सेम रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज ऑकर नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है अपना, दैट इज अ एवर डायनामिक सब्जेक्ट, इट इज अ एवर डायनामिक सब्जेक्ट, इट इज अ एवर डायनामिक। एवर डायनामिक यानी क्या होता है कि ये सब्जेक्ट स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है माने स्टेडी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को सबसे पहले आपने जब स्टडी किया होगा तो बल्ब का आया स्टडी, बल्ब का सर्च किए, उसके बाद में अभी तो एलईडी है, तो तभी के तभी वहीं पर रुक गया क्या स्टडी? नहीं, आगे भी चल रहा, यानी ये जो साइंस है ये आगे चल रहा है, यानी सर्चेस जितने भी हैं आगे चलते जाएंगे, यानी ये स्टडी चेंज होते जाएगा। दैट मीन्स फिजिक्स का सब्जेक्ट जो है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट के वेरियस एप्लीकेशंस। आप जब कॉन्सेप्ट स्टडी करते हो तो वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना होता है, तो आप कौन सा भी एखादा इंस्ट्रूमेंट भी आप रिसर्च कर सकते हो। आप लोग कौन सा भी रिसर्च जब करते हो तो उसके लिए कुछ थ्योरी अप्लाई करना होता है, तो दैट इज अ डायनामिक वन, दैट्स व्हाई दिस इज द एवर डायनामिक सब्जेक्ट। ओके, दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल्स, यानी ये फिजिक्स पढ़ने के लिए उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स यानी क्या है? यूनिफिकेशन। इसके दो प्रिंसिपल है, एक है पहला यूनिफिकेशन एंड सेकेंड है रिडक्शनिज्म। सेकेंड है रिडक्शनिज्म, यानी यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म यानी क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। यूनिफिकेशन यानी क्या है कि अगर एक लॉ वेरियस थिंग्स को अगर गवर्न कर रहा, एक लॉ वेरियस थिंग्स को गवर्न कर रहा है, यानी क्या? अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स मूव हो रहे, अर्थ खुद भी मूव हो रही है, ओके, प्लैनेट उसके अराउंड मूव हो रहे हैं, और एनी मोमेंटरीली ऑर्बिट में अगर कौन सा भी सैटेलाइट मूव हो रहा है, सो दीज ऑल द हैपनिंग्स इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और वी कैन से दैट ग्रेविटी, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो एक लॉ वेरियस थिंग्स को क्या कर रहा? एक्सप्लेन कर रहा, दैट इज नथिंग बट द यूनिफिकेशन। एंड सेकेंड है कि रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म यानी क्या? To study the whole system into parts, its parts, various part का धीरे धीरे अगर आप study करोगे तो वो क्या होते जाएगा? Reduction होते जाएगा, और उस छोटे छोटे part से क्या बनेगा? एक system बनेगा, और वो system का study काय में आता है? Physics में आता है। Okay? So हमारे NEET में actually क्या क्या आने वाला है, और इस दो साल में हम क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं, अभी हम ये देखते हैं। ये जो दो पार्ट है वो 12th के सिलेबस के अंदर है। क्लियर बच्चों? तो मैकेनिक्स में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स में आप सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन, एक्चुअली मैकेनिक्स यानी मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, इसमें मोशन क्या होती है, ये पार्ट आप स्टडी करेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, इसमें सैटेलाइट का आप स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स कैसे मूव होते हैं, उसके लॉज क्या होते हैं, केपलर्स लॉ क्या होता है, इसका स्टडी लॉज ऑफ मोशन में आप करेंगे। उसके बाद में वर्क, एनर्जी, पावर, मोस्ट ऑफ द इसका पोर्शन आपका 9th-10th में हुआ है, बस उसके आगे ही थोड़ा बहुत पोर्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी आप लोगों को नहीं है। उसके बाद में ग्रेविटेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सॉलिड्स, इसमें आप इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखेंगे, कोलिजन देखेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, ये सारी इक्वेशंस आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखेंगे। उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, इसका स्टडी करेंगे आप मैकेनिक्स में, यानी ओवरऑल मोशन का जो स्टडी रहेगा दैट इज इन द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसमें पार्ट पार्ट जो है वो काय में आने वाला है, मैकेनिक्स में आने वाला है। ओके, रोटेशनल मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद वेव्स, ये सारे जो पोर्शन है सभी मैकेनिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये बहुत इजी पोर्शन होता है और इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स जरा ज्यादा होते हैं। ओके, एंड इंटरेस्टिंग है, इसमें फॉर्मूला भी बहुत सारे आएंगे जो आपको लर्न करना है। हम बहुत अच्छे से खेलेंगे फिजिक्स में, ओके, और उसको खेलना कैसे है ये हम आपको समझाएंगे। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज थर्मोडायनामिक्स वन, थर्मोडायनामिक्स के अंदर पहला पार्ट जो है दैट इज अ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सेकेंड हीट का स्टडी, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रेडिएशन, उसके बाद में रिवर्सिबल प्रोसेस, ई रिवर्सिबल प्रोसेस, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारे जो पार्ट्स रहेंगे, कैनॉट साइकिल, ये जो सारे पार्ट्स है ये थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। ओके, ये दो पार्ट्स, ये 11 का पोर्शन है, 11 के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स इसमें कवर हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है ये दो 12 के हैं, देखिए इसमें क्या क्या आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टर, ओहम्स लॉ, किरचॉप्स लॉ, किरचॉप्स करंट लॉ, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ, देन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टडी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दिस ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट के अंदर आते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये, इसमें कंसेप्चुअल बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अगर कंसेप्ट आपको समझ में आए तो बहुत इजी जाते हैं। देन लास्ट पोर्शन है इसका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स दैट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइट, लाइट में मिरर,
मिरर कैसे फॉर्म होता है, उसके फॉर्मूले, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, उसकी कंडीशंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, पोलराइजेशन और जितने भी कुछ लाइट के फेनोमेनॉन्स हैं सारे के सारे इसमें आएंगे, डिफ्रैक्शन. सो दीज आर द फोर पार्ट्स विच इज इंक्लूडेड इन यूर 11th एंड 12th सिलेबस. और बच्चों बहुत ज़्यादा इजी है ये, आपको नाम अभी डिफरेंट लग रहे होंगे लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बस ओवरव्यू आपको नीट के सिलेबस में गिवन है, ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है. आपको फोकस करना है फॉर्मूला एंड उसके कंसेप्ट पे. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आती है तो आप लोग डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो. फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिलाएगा, रैंक दिलाएगा. और ये कब डिपेंड करेगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे. ओके, ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक पार्ट. अब माइक्रोस्कोपिक पार्ट की तरफ चलते. माइक्रोस्कोपिक पार्ट में बहुत छोटा पोर्शन आपको है और वो भी 11th के पोर्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है, 12th में है खाली. और 12th में माइक्रो पार्टिकल्स यानी कौन से हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का स्टडी है, एटम का स्टडी है, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, फोटॉन्स. ये जो स्मॉल पोर्शन है दैट इज इंक्लूडेड इन अ माइक्रोस्कोपिक पार्ट. बहुत छोटा पोर्शन है और बहुत ज्यादा इजी है. ओके, तो ये नोट कर लीजिए आप. तो ये दो पार्ट हो गए आप लोगों के सिलेबस में, 11th और 12th का सिलेबस. तो ये तो बात हो गई सिलेबस की. लेकिन बच्चों सिलेबस आपको दिलाना एक ओवरव्यू था, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उससे आप लोगों को कैसे मार्क्स दिलाना है या उसको कैसे इंटरेस्ट बनाना है, इंटरेस्टफुल कैसे बनाते हैं, ये अभी हम देखते हैं. ओके, सो सिलेबस के बाद आप लोगों को कैसे स्टडी करना है ये अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि फिजिक्स में आपको 180 में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो टॉपर लोग होते हैं उनका स्कोर 180 आउट ऑफ 180 आ सकता है. उसमें से आप भी एक हो सकते हो. अगर मैं जो पहले लेक्चर में, यानी ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें मैं आपको जो बता रही हूँ उस पर आप लोगों को ध्यान देना है, उससे ही आपको फायदा होगा. ओके, आपको 100% ये फॉलो करना है तो आपका रिजल्ट वन एंड द बेस्ट होगा. ओके, सो पहला है कि स्टडी एवरीडे. आप लोगों को जो स्टडी करना है एक ही दिन में, एक चैप्टर पूरा हो गया ऐसे नहीं, एक दिन में 4-5 घंटा फिजिक्स का स्टडी कर लिए ऐसी बात कभी भी नहीं करनी है. आप लोग क्या करते हो, टाइम टेबल बनाते हो वीक में, मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा टाइम टेबल में बहुत सारा आप लोग उसको डिवाइड करते हो. तो मंडे को अगर फिजिक्स का स्टडी हो गया तो उसका नंबर डायरेक्ट फ्राइडे को आता है. जब लेकिन आप 3 दिन के बाद उसका स्टडी करते हो तो आपको याद कुछ नहीं आता है. तो कहना ये है कि आप उसका स्टडी 6 घंटे करने के अलावा 2 घंटे करो खाली, लेकिन रोज करो. ओके, रोज करना है यानी क्या कि अगर आप एक ही दिन में सब कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है 3 दिन के आप उसको भूल जाओगे. तो कहना ये है कि रोज उसको पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. ओके, क्योंकि हमारा ब्रेन जो रहता है उसको बार 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 पॉलिश करने की हमारी आदत होनी चाहिए. अगर आप उसको बार बार पॉलिश करोगे तो आपके दिमाग के जो दिए हैं वो क्या लगेंगे, जलने लगेंगे. ओके, नेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट बुक. यानी अगर मैं बोलूँ, कोई कोई बोलता है कि टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ना चाहिए, जो नोट्स है जो खाली दिए हुए रहते हैं उसको ही खाली पढ़ लो उसमें स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है. तो जब आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल्स. यानी जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कलेक्टिवली बहुत सारा एफर्ट करके उसको बनाया हुआ होता है. उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं. कोई कोई टीचर या फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक आधा पार्ट स्किप हो जाता है. तो जब आप टेक्स्ट बुक लर्न करते हो या उसको पढ़ते हो
तो आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस रीड द टेक्स्ट बुक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि रीड द टेक्स्ट बुक बिफोर द क्लास, यानी क्लास में जो कुछ होने वाला है उसको पहले से ही थोड़ा सा आप ओवरलुक कर. रीड करना है यानी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन जब आप क्लास में आते हो, अगर आपने उसको पहले ही पढ़ लिया है तो मैडम क्या समझा रहे हैं आपको, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आपको क्या समझा है और क्या नहीं समझा है. जो पार्ट आपको नहीं समझा हो वो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम फिनिश्ड हो जाएगा. सो वो जो पॉलिश किया हुआ जो कंसेप्ट रहेगा वो आपको हरदम याद रहेगा. दैट्स व्हाई जो भी कुछ क्लास है आपका, उसके पहले आपको टेक्स्ट बुक लर्न करना जरूरी है. टेक्स्ट बुक लर्न करने के बाद जो आइडियाज रहेंगी वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको क्लिक करने लगेंगी. ओके, सो नेक्स्ट है अटेंड द क्लास एक्टिवली. क्लास में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, बैक में जाकर बैठ गए, किसी को ये दे रहे, खाली लिख रहे हो या फिर ध्यान ही नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करना है. बिल्कुल जब आपको टीचर पढ़ा रहे हो तो उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जो न्यूमेरिकल्स है, जो कंसेप्ट है, आपने पूछना चाहिए ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये स्टेप नहीं समझा, ये मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं है आ रही, या फिर कुछ भी डाउट हो आपको, ये आपने पूछना चाहिए. अगर आप ऐसा पूछोगे तो आपका जो माइंड रहेगा वो एकदम एक्टिव रहेगा और उसमें आप पार्ट प्ले करोगे, यानी जो भी कुछ हो रहा है उसमें आप खेलने लगोगे. ओके, सो नेक्स्ट वन, सॉल्व द एग्जाम्पल इन करेक्ट वे. सॉल्व द एग्जाम्पल इन करेक्ट वे यानी क्या होता है कि बुक्स में बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, देख लेते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है और हो गया फिजिक्स का पढ़ाई. ऐसे नहीं करना है. जो न्यूमेरिकल है उसके सोल्यूशन पर उसको छुपा कर रखना है और आपको रीड करना है न्यूमेरिकल, उसका फॉर्मूला लर्न करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखना है. जब तक कि नहीं आता उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, और जब अल्टीमेट कंडीशन में आपको नहीं आता होगा तब जाकर उसको उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना है. कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो बुक की मेथड है वो लेंदी रहेगी, आपका आंसर इजी मेथड से आया हुआ रहेगा, या फिर आपका जो लेंदी मेथड रहेगा आंसर बुक में बहुत इजी मेथड से रहेगा. तो बहुत सारे मेथड्स और कॉन्सेप्ट आपके पास तैयार हो जाएंगे. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब स्टडी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होकर स्टडी नहीं करना है फिजिक्स का, उसमें खेलना है. यानी मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपको साइकिल चलानी हो तो उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. साइकिल कैसे चलाना है इसका बुक पढ़ने से होगा क्या, खाली पढ़ लिया और साइकिल चलाने आ गई क्या, नहीं. जब तक आप साइकिल पर बैठोगे नहीं, उसको पैडल चलाओगे नहीं, तब तक कि आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे. अगर सामने से कार आई तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पड़ेगा. ये कब समझेगा आपको, जब आप उसको चलाओगे. वैसे ही जब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझेगा कि कौन सा आइडिया कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन से न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तब जाकर आपका सॉल्यूशन आएगा. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स कि हमको फिजिक्स के अंदर कैसे खेलना है और उसको इंटरेस्टफुली बनाना है. सो आगे भी हमारी इस पूरी सीरीज में हम टोटल फिजिक्स जो आपको पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो पार्टिसिपेशन रहेगा, आई होप कि आप लोगों का 100% पार्टिसिपेशन मुझे मिलेगा. सो आई होप ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्यूरीज हो, तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा. थैंक यू.